बीच में हलवा हुआ ही काम कहीं में डेंगू होने लंबोड़ा अगर पहुंचा क्या हमारा पहुंचा होगा। भारत माता की आज विश्व विख्यात मार बरवंडी मकराना में मकराना की पावन धरती पर इस पवित्र स्थान पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा नागौर के लोकप्रिय प्रत्याशी पहले सांसद रहे और अभी आपके आशीर्वाद से फिर जीत की ओर है माननीय डॉक्टर ज्योति मेहता जी, आपके लाडले विधायक राकेश मेघवाल की धर्मपत्नी श्रीमती गीता जी मेघवाल, एक के साथ एक थ्री, बिंदु जी चौधरी, दिग्रहण जी लोम रोड, सोका जी सभापति और हमारे लाडले युवा दिलों की धड़कन हमारे पूर्व विधायक जाकिर साहब, गीता जी सोलंकी और हमारे हृदय अजीज अजीज साहब जो पूर्व मंत्री है वो सबके अजीज है, मुख्तार जी भंवर जी डूडी भूर जी डूडी करण जी पिता तुल्य हमारे नेता और हमारे सहयोगी लच्छा राम जी बडालडा भंवर जी मुंडेल मारे साहब नाम ले श्याम हो जाए फिर अजान हो जाए पिछली कार्तिक मिन सर को एक मिनट और एक मिनट वो शॉर्ट एंड स्वीट मंच पर बिराजे सभी मोतिया मूंगा अतिथि गण जगह तक हमारी नजर को गए जगह तक हमारी आवाज को गए सब बूढ़ा बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय बुजुर्गों भाइयों बहनों माताओं युवा दोस्तों प्यारे बच्चों किसान भाइयों और युवा दिलों की धड़कन युवा साथियों यूं काम बन चल रहे जोरदार से। पहले तो ये बताओ राकेश मेघवाल और गीता मेघवाल ने ज्योति जी का जो करिश्मा है 27 साल की राजनीति त्याग तपस्या और हमेशा सच्चा रहा उस त्याग तपस्या को ज्योति जी मृदा ने अपने पास ले लिया एक वसुंधरा को छोड़ा दूसरी वसुंधरा के पास आ गया। इसलिए ज्योति जी मृदा का जोरदार तालियां बजा के जोरदार स्वागत। अब ये बताओ जो मैंने जो निर्णय लिया ज्योति जी के कहने से और मेरी धर्मपत्नी के कहने गीता जी के कहने से क्या ये कांग्रेस में आने का सही निर्णय था क्या? दोनों हाथ खड़े करके बता दो। कठिन गड़बड़ है कठिन गड़बड़ है कोई को पेट जरूर दू क्यों है कदे बोली जब गड़बड़ बने तो मन बता दीजिए अभी वो ताबीज है मार गए। हाँ, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान यह गीता का ज्ञान। मेरे साथ मेरी पत्नी गीता मेघवाल भी है और गीता भी है। भाइयों बहनों मैं आपसे वोट क्यों मांगू? मेरा आप पे क्या अधिकार बनता है? मैं परबसर से विधायक रहा मैं मकराना में आप मुझे वोट क्यों दें? क्या कारण है? किसके कहने से दे? मेरी क्या ताकत है? मैंने क्या आपकी सेवा की? क्यों वोट दे? क्या मैंने जाने अनजाने में भी मकराना विधानसभा क्षेत्र की सेवा की? ज्योति जी को हाथ खड़ा करके बता दो कि कौन करी? देखो हाथ खड़ा बनी आके कौन करी? अब मुझे गिनाना पड़ेगा क्योंकि पूरे हाथ खड़े नहीं हुए, इसलिए मुझे एक एक चीज को आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आप मुझे वोट मेरे कहने से ज्योति जी को देना पड़ेगा। उसका सीधा सा कारण है 1994 में पहली बार जीत के राजस्थान विधानसभा में गया
मैं मकराना का रहने वाला, परमेश्वर ने मेरा कोई घर न मकान न दुकान। 15 दिन में डोरिया कूद रखियो आर के जो ओके लोग आर कियो, आर के को मतलब आर के परमेश्वर का लोग आर कियो, डोरिया कूद रखियो और 15 दिन में एमएलए जीत रहा है। ये किसकी देन है? ये मकराना की जनता और परमेश्वर के मतदाताओं की देन है। और ये किसकी देन है? आज इस दुनिया में नहीं है दो बाबा, एक भैरू बाबा दूसरा नाथू बाबा। भैरू बाबा ने टिकट दी, नाथू बाबा ने आशीर्वाद दिया। राजस्थान में और नागौर जिले में अगर बीजेपी में पहला खाता खोलने वाला है वो राकेश मेघवाल है। और उस समय आपका काम किया था मकराना का, सबसे पहले जीतने के बाद में आपने कहा था यूआरडी माफ करो, लोगों के करोड़ों रुपए का कर्जा था। मैंने यूआरडी माफ कराई, एक्साइज माफ कराई, रॉयल्टी कम कराई और तो रिचपाल जी मिर्दा की ट्रक यूनियन बाबा के ट्रक यूनियन को आपके कहने से मैंने बाबा से नाराज की मोल ली, लेकिन मकराना की धरती के लिए, मकराना के व्यापारियों के लिए मैंने ट्रक यूनियन को तोड़ के इस धरती पे कोई माइक लाल ऐसा एमएलए पैदा हुआ जो ट्रक यूनियन तोड़ के और वहां आरएसी बिठा दे, वो परबत्सर विधानसभा क्षेत्र की सीमा मानती है। आपको पता पीएचडी का कार्यालय आपका मेड़ता लगता था, एक्सीएम संभालता था मकराना परबत्सर कुचामड़ नावा का, वो मेड़ता बैठता था। मैंने कहा भाई पीएचडी कार्यालय में एक्सीएम साहब कहाँ है? क्यों मेड़ता से आएंगे? क्यों मेड़ता लगता है? अरे मकराना विश्वविद्यालय मार्बल मंडी है, उसका पीएचडी का जो पानी विभाग है, जल जीवन है, उसका कार्यालय कहाँ मेड़ता? वहां से कार्यालय दूसरा खोल दिया आपने। ट्रक यूनियन के पास में ऊपर 10 लाख लीटर की टंकी और नीचे कार्यालय खोल दिया। और आपके पास मैंने मकराना में छोड़ा क्या था? 1993-98 तक मकराना में सिर्फ नगर पालिका छोड़ी थी, बाकी सब कार्यालय परमेश्वर विधानसभा क्षेत्र मंगलाना में ले गया। चाहे तहसील नीलाम करनी हो, तहसील को नीलाम करें तहसील कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, पीएचडी कार्यालय, पीएनटी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, सब तो परमेश्वर सीमा में था, सब ले गया। आपका डाक बंगलो भी नया बना दिया और पुराना डाक बंगलो भी खाली कर दिया। फिर उसके बाद में ट्रक यूनियन से लेकर गोरावर तक जो सड़क 30 फुट थी, सबसे वो पहले गोदाम मैंने मेरा तोड़ा और उसको 70 फुट चौड़ी किया, ये भी एक नया काम था। आप मेड़ता जाते थे, एक मुकदमो दर्ज होता और कट जाता मेड़ता। आपका एडीजे कोर्ट का मेड़ता राकेश मेघवाल ने ये कहा था, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ये मेरा इस्तीफा लो, नहीं तो एडीजे कोर्ट प्रोफेसर हो। 2 दिन में एडीजे कोर्ट प्रोफेसर खुल गया। अभी वकील साहब को कहूंगा तो इनकी 60-70 वकीलों मकराना वालों की भूल हो जाएगी, लेकिन अभी वोट लेने नहीं कहूंगा। ये 6-6 महीने हड़ताल पर है, मकराना एडीजे कोर्ट नहीं आया। ये अजीत साहब भी मंत्री थे, इन्होंने भी कोशिश करी थी, नहीं आया। जाकिर साहब ने भी कोशिश करी थी, नहीं आया। कौला जी राजभवन ने भी कोशिश करी, एडीजी कोर्ट नहीं आया। रूपाराम जी मुरौतिया ने भी कोशिश करी थी, श्री राम पिछड़ ने भी कोशिश करी थी, एडीजी कोर्ट मकराना नहीं आया। जबकि 15,000 की आबादी पर बच्चों में एडीजी कोर्ट है और 1.5 लाख की आबादी पे मकराना में एडीजे कोर्ट नहीं है। ये राकेश मेघवाल की, आपकी जनता की ताकत कि 15,000 की आबादी पे एडीजे कोर्ट परबत्सर में है और एक के साथ एक फ्री, अभी 2 एडीजे कोर्ट है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैंने परबत्सर की जनता का मत समर्थन लेके जीत के आया हूँ, लेकिन काम आपका पूरा किया। 13 पंचायतें जो मकराना में लगती है, मकराना का भविष्य तय करती है, वो राकेश मेघवाल की गच्छीपुरा बेल्ट की 13 पंचायतें है। और मकराना का भविष्य तय करता है वो बोरावर गांव करता है, जो 20,000 की मतदाता है, 50,000 की आबादी का गांव है, जिसमें 1 किलोमीटर में हम 4 एमएलए रहते हैं। राकेश मेघवाल, रूपाराम जी मुरौतिया, भवनलाल जी राजभर, श्री राम जी भीचर, अब धीरे धीरे जाती साथ में तैयार 5 वाले।
इसलिए भाई और बहनों मैंने हमेशा आपकी तन मन और धन से भी सेवा की है, और 1994 में मैं इटली, वेनिस, जर्मनी, फ्रंकफर्ट और 10 कंट्रियों में गया था। वहां मैंने पूरे विश्व में आपके मकराना की बात रखी थी कि विश्व विख्यात मार्बल मंडी है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन वरोना में लगा था इटली में, तो वो मकराना की है। पहला आदमी हो जो हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में जाके आपकी बात को रखता है। लेकिन बड़ तो थे मारो भी फुको खाडियो के बेटो, अकेलो गाड़िया भरे, अकेलो माल बेचे, तो राजनीति में भेज दिया, एरल डाइट लगा दी, हाथ जोड़वा लागियो और दंडो सुनो था पति आपकी। ये इतना सब कुछ किया फिर भी मैं मजबूत की तो अब वोट है और बताऊ के काम नहीं बात जरूरत है था कि इतने दिन मैं प्रदर्शन लेकर सेवा करता था, आज मैं आपके साथ में मकराना में हूं। आप सब लोग, मैं बीजेपी पृष्ठभूमि से आया हूं, बीजेपी से वोट लेके आया हूं आपके पास में, अगर अच्छी तरह से लाडा कोडा रखोगे तो पूरी बीजेपी ज्योति जी मिर्जा के साथ में है, तन मन धन और वोट के समर्थन के साथ में है, हम सभी साथ में है। रखना आपको पड़ेगा, लाडा कोडा रखना पड़ेगा, यूं नहीं कि खुड़िया में ठोक ठोकर बारा करते हो तो कुछ की बनिए बचे। अगर आप सोचो 2013 में आपने पूरी ताकत लगाई थी जाके सांप को जिताने के लिए, एडीसी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन ये बूसों में जब माननीय वसुंधरा जी राज्य आई थी तो मैंने क्या कहा था, ये भाषण रिकॉर्ड है, मैंने ये कहा था नागौर जिले में 10 सीटें हैं, 10 में से आपको 9 सीटें दे देंगे, आप राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी। मैं सांगला की दुनिया हूँ, केवल आदि महाराज को चेलो जो कहता है वो होता है, तो ज्योति जी भी बड़े दार आएगा तो दिया है। एक ही दुनिया है राजस्थान में, पर सांगला पति की दुनिया है केवल आदि महाराज। मैंने आप सबके सामने कहा था 10 में से 9 सीटें दे देंगे, 10 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीते, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला नागौर जिले में, खुला जा। और अब भी मैंने ये कहा था, मैंने कहा सीटिंग की फिटिंग करूंगा, सीटिंग की फिटिंग करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। जब मैंने सीटिंग की फिटिंग के लिए कहा तो मुझे खीम से सर्टिफिकेट दे दी। आप ये सोचो अगर आपको इंटरसिटी का टिकट मिल जाए फ्री, जयपुर घूम जाओ दे दो फटाफट, बस टिकट मिल जाते जयपुर घूम जाओ फटाफट, महिला दिवस के दिन मात्र शक्ति सगड़ी बसों में फ्री जावे, जरा बसा फुल रहे। आप ये सोचो जाकिर साहब 6 महीने फिरे, जब जाकिर को टिकट मिली मेरे जेब में लाके टिकट डाल दी, 24 घंटा टिकट जेल में रख के फिर वापस कर दी। ये देश में राजस्थान में पहला आदमी है राकेश मेघवाल जो मुंडा मायोड़ो 500 चुको आयोड़ी टिकट वापस दी। और अगर मैं खीर से चले जाता ना तो मैं जीत के भी आता हूँ, फॉर्मूला मेरे पास, फॉर्मूला 44, मैं मकराना से चुनाव लड़ू तो भी जीत सकता हूँ, मैं नावा से चुनाव लड़ू तो भी जीत सकता हूँ, क्योंकि उसका जीता जाता सबूत है मकराना प्रमोशन कुचामन नावा, मेरी पत्नी लोटरी से चेयरमैन बनी थी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान महाजन को हराया था। और उस महाजन को हराने के बाद में मेरे बेटे ने भी एक महाजन लड़की से शादी करने की तैयारी कर ली, फॉर्मूला 44। अब इसलिए बढ़िया ब्राह्मण महाजन मांगे तो शादी हो गया, शादी हो गया तो वोट बता दे। इसलिए भाई और बहनों मैंने ये कहा था सिटिंग की फिटिंग करूंगा, एक भी 9 में से सिटिंग एमएलए जीता है तो बता दो। मकराना तो मैंने टिकट बदलवा दी, मकराना मैंने टिकट बदलवाई थी, टिकट भी है मेरे कहने से दी, बदलवा दी। जाकिर साहब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी रह गया, राजेश ने बुला लेता एक मंच पर एक भाषण देवाने, जाकिर साहब आगे मिले। और फिर मैंने ये कहा था सीटिंग की फिटिंग कर दी, लेकिन अभी लोकसभा बाकी है। आपको बता मैंने लोकसभा में भी जिनको हमने लाडा कोडा जिता के भारत सरकार में मंत्री बनाया था उसका जीता जागता सबूत आप तो रामगढ़ भवन में अपन सही सब लोग थे। मैंने कहा ये सांसद बन गए, सांसद बनने से पूरा इनसे काम हो नहीं रहा है, तो सब मुसलमान खाजा साहब की दरगाह में दुआ मांगो और हिंदू सब भगवान की दुआ मांगे कि ये मंत्री बन जाए। 2 महीने मंत्री बन गए,
लेकिन मंत्री बन के भी मकराना का भला नहीं हुआ। मकराना से मंगलाना से मकराना, मकराना से बोरा, पांच साल में एक किलो डामर नहीं लगा, एक किलो सीमेंट नहीं लगी, क्या मैं उनके साथ में रहूं? मेरा ये है ना, धर्म अलाउ नहीं करता। मैं जिस धरती पे जीता हूँ, जिस धरती का नमक खाता हूँ, उस मातृभूमि के लिए मुझे जीना है, उसके लिए मरना है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उनको भी। मैंने कहा तुम्हारी भी शिटिंग की फिटिंग, उनकी भी शिटिंग की फिटिंग कर दी। अब मैं ज्योति जी के पास, इसलिए मेरी भी इज्जत है, हमारे पूरे शेड्यूल कास्ट समाज एकजुट होकर ज्योति जी को वोट देंगे, मुसलमान समाज एकजुट होकर ज्योति जी को वोट देंगे, और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हमको सभी चाहे महाजन हो गणिया ब्राह्मण हो खाती दर्जी नाई कुमार माड़ी गुजर 36 कौम को पैर पकड़ के वोट मांगना है। काका काकी ने दीजे रे वोट, ज्योति मृदा ने दीजे रे, राकेश मेघवाल को कहू है ज्योति जी ने जिताणु है, ऐतिहासिक बताओ जिताणु है। नाथू बाबू कहते ना बीबीसी लंदन बोली, तो बीबीसी लंदन डबल उड़ा नहीं, डबल को मतलब समझो कि 1,59,000 और 60,000 में जीतिया, तो आप अगर 3,00,000 को जीता तो भाई कमी है, इतर को जरूर भाई देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, गांव गांव ढाणी ढाणी, अभी आपको जाना है, हम सब लोग जा नहीं सकते। अभी कोई कियो कि ज्योति जी बोले जाओ, बार बीच में छोड़ा कहीं ज्योति जी लुगाई है, मैं क्यों बोले जाऊं? इसलिए ज्योति जी तो बन जाओ, लेकिन ज्योत तो बन सको ना, ज्योत को दरगाह में जाओ बटे धूप खेवा ज्योति है, मैं माता जी के मंदिर में जावा धूप खेवा ज्योति है, तो ज्योत तो बन सका ना आप, ज्योत तो बन सका। अब ये है मकराना की प्रतिष्ठा दाव पर है, प्रतिष्ठा इसलिए दाव पर है कि पहले तो इस अकेले ही थे, कौन है जाकिर साहब है अजीत साहब, अब मारे आबा डबल हुए, जरे तो है आप मजो, और मैं कहने बाप की सुगन खार के हूं, अगर सगड़ा एक झूठ और वोट दे ऐतिहासिक वोटो मकराना नागौर जिला में प्रथम स्थान पर रहने जीत है, और प्रथम स्थान पर रहे जरे ठाको मागो नाग को सवाल है, प्रोफेसरों ने कोशिश करा के सबों आगे रखा, लेकिन राकेश मेघवाल पूरे जिले में प्रचार करेगा, पूरे जिले का है, और अगर की सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो बाप की सुगन था के दोबारा ने नेड़ो ही नहीं आऊंगा, बाद भाग जाऊंगा। हां अब सोचियो कि बाप परमाने में दागन आ गयो, अगर की गड़बड़ गई तुम्हारे लगे काई है कटोरियो मंदिर पद भागियो, अब सीखो ना ने बाबा के मुंह बाहर मैंने जो तिवा मान लिया, अगर मैंने हमेशा ठाके साथ में रखना है, इस कांग्रेस पार्टी में रखना है, तो भी कोई भविष्य तय करेला ज्योति जी का चुनाव, अगर ज्योति जी का चुनाव में सब लोग जात पात ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई एकजुट होकर एक ही अभियान, हमें ज्योति जी मिर्जा को जिताना है, और ऐसा कैंडिडेट हमको, ऐसी प्रत्याशी हमको, ऐसी देवी हमको, और ऐसी मातृशक्ति ऐसी महिला है हमको, जो राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी, जो नागौर जिले को मिली है, और बाबा की पोती है, बाबा को फिर आशीर्वाद है, जनता को फिर आशीर्वाद है, 5 साल रही अभी को अनुभव है, और राजस्थान में राज कांग्रेस को है। क्या सोचता हूं मैं कि राज लेबा आई हूं? नहीं, मार्ग में करामात हुई ने तो मैं 4 बजे का राज में ले लू, भांड्या को लाई में खाई पड़े ठीक उन बड़े, मैं राज फायदे लेबान को नहीं आई हूं, मैं कोई शरत पे को नहीं आई हूं, मैं आयो सिर्फ इस देवी की करामात, इसकी का करिश्मा, किसने ने मेरी 27 साल की तपस्या को ये इधर कांग्रेस में आपके पास ले आई, तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा, इसलिए ज्योति जी को दोनों हाथ खड़े करके जोरदार से तालियां को बजा के विश्वास दिला दो, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, हाथ में वोट देनो ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी ख़त्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।